हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत। आज के इस टेक एपिसोड के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी चार बड़ी टेक अपडेट लेके आऊं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं हूं आपका कैप्टन नील शेखावत। चलिए शुरू करते हैं आज का सफरनामा, आज के सफर को स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों निकल कर रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। आप सभी जानते हैं वी आई के पास दोस्तों 4G का नेटवर्क एक्सपेंशन ना करने से और 5G ना होने के चक्कर में इसको दोस्तों यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अभी जो पहला क्वार्टर गया था दोस्तों अप्रैल मई जून का, यहाँ पे इसको अच्छा खासा नुकसान हुआ, 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ऑलमोस्ट 220 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पे इसको छोड़ के गए, नुकसान हुआ। लेकिन अब दोस्तों बात की जा रही है कि यहाँ पे वी आई अपने नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे कर रहा है। VI के एक्सपर्ट दोस्तों बता रहे हैं, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की बात करें, ICICI सिक्योरिटी की बात करें, तो उनका दावा है कि धीरे 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 जैसे जैसे यहाँ पे VI अपना नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहा है, सब्सक्राइबर जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं चर्न, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक लेवल के बाद VI फिर से स्टेबल हो जाएगा और फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। एक्सपर्ट बता रहे दोस्तों यहाँ पे कि VI कैसे काम कर रहा है। VI दोस्तों यहाँ पे 24,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे फंडिंग इसने उठाई, इससे 15% डेटा की कैपेसिटी बढ़ा दी, इसने अपना 4G नेटवर्क एक्सपेंशन किया दोस्तों भारत के अंदर शुरू कर दिया अच्छा खासा काम, जिससे पहले से ज़्यादा 15% डेटा कैपेसिटी बढ़ चुकी है, पहले से अच्छा आपको नेटवर्क यहाँ पे मिलने वाला है। VI में दोस्तों वोडाफोन आइडिया में, वोडाफोन UK का और भारत का आइडिया ग्रुप यहाँ पे काम करते हैं। दोनों ही दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने 2024 जून के अंदर जो स्पेक्ट्रम वगैरह लिया था 900 MHz का, इसको सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके 17 प्रायोरिटी सर्कल्स है जहाँ पे ये अपनी नेटवर्क सर्विस लेके आता है, उसमें से 16 सर्कल्स के अंदर दोस्तों ये धीरे 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 अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं, पहले से अच्छा 4G सर्विस आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। VI का सब्सक्राइबर एडिशन जो है दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है, 4G के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हालांकि इसके 2G के सब्सक्राइबर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कैसे VI जो है धीरे धीरे यहाँ पे अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा। मोतीलाल ओसवाल की बात कर लीजिए, ICICI सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, तो बात की जा रही पहले एवरेज हर क्वार्टर में 3-3 मिलियन से ज़्यादा, 3-3.5 मिलियन सब्सक्राइबर छोड़ के जाते थे, लेकिन अब 2 मिलियन पे आ चुके हैं। तो जो सब्सक्राइबर छोड़ने की गति थी वो धीरे धीरे स्लो हुई है और VI अपने नेटवर्क का धीरे धीरे एक्सपांशन यहाँ पे कर रहा है, जिसके चक्कर में बात की जा रही कि VI फिर से गेम में आता नजर आएगा। क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे गया था दोस्तों यहाँ पे उसके अंदर इसने ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस किए थे, तो यहाँ पे धीरे धीरे VI के सब्सक्राइबर यहाँ पे कम होते जाएंगे, मतलब सब्सक्राइबर ग्रोथ जो जाने की गति वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और VI अपने नेटवर्क के दम पे, पावरफुल नेटवर्क के दम पे फिर से यहाँ पे आ सकेगा। तो फिलहाल अगर बात करें जाए VI दोस्तों सब कुछ यहाँ पे कर रहा है, नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहा है, सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो फंडिंग यहाँ पे निकल गया उससे दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा है, नोकिया एरिक्सन के साथ दोस्तों यहाँ पे हार्डवेयर की डील यहाँ पे कर रहा है, मैवरीर जैसी कंपनी के साथ भी बात कर रहा है, 5G दोस्तों इन्होंने मिनिमम ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है। तो सारी चीज़ें पैरेलली सही चल रही है, धीरे धीरे इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यस, स्पीड नहीं बढ़ाई दोस्तों तो हालत ख़राब हो सकती है, तो इसको जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि BSNL भी टक्कर मार रहा दोस्तों वोडाफोन आइडिया को। यहाँ पे उसने प्राइस हाइक नहीं किया तो VI के कुछ यूजर्स BSNL के पास भी जा रहे हैं। तो VI को जल्दी से जल्दी दोस्तों अपना गीगानेट 4G पूरे भारत में लाना है, कैसे भी करके जल्दी जल्दी नेटवर्क एक्सपेंशन करना है, और इसके साथ साथ कुछ महीनों के बाद इसको अपना 5G भी लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि जियो और एयरटेल जैसी कंपनी सुपीरियर 5G सर्विस दे रही है और VI के यूजर्स उनके पास भी जा रहे हैं, तब जाके VI अपने कस्टमर को अपने पास यहाँ पे रख सकेगा और फिर धीरे 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 VI एड ऑन करना चालू करेगा। फिलहाल तो नुकसान कर रहा है, नुकसान कम होना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसको अपने पावरफुल नेटवर्क को यहाँ पे लाना पड़ेगा मार्केट में, जिसके दम पे VI फिर से गेम में आता हुआ नजर आएगा। अगली दोस्तों खबर निकल के आ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से निकल के रही। पाकिस्तान में दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बंटा ढहार हो चुका है, इंटरनेट दोस्तों क्रांति खत्म हो चुकी, क्रांति तो छोड़ो कुछ भी नहीं है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर बता रहे थे कि इंटरनेट आप इंडिया में आप अनलिमिटेड यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, 200-300 रुपये महीने में आपको इतना डेटा वेटा सब मिलता है। पाकिस्तान में कोई अनलिमिटेड कॉलिंग वॉलिंग कुछ भी नहीं है, जो इंडिया में आप 200-300 रुपये यूज़ करते हैं ना, वो आपको 1500-2000 दोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको, ये हालत चल रही है। उसके बावजूद दोस्तों फिलहाल बात की जा रही है कि पाकिस्तान की हालत खराब, पिछले 7-8 दिन से दोस्तों कुछ कुछ जगह पे तो इंटरनेट शटडाउन है, आ ही नहीं रहा, कुछ कुछ जगह पे कछुए की स्पीड से चल रहा है। अलग अलग थियरीज लगाई जा रही दोस्तों यहाँ पे, लाहौर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है दोस्तों, PTA को बोला कि बताओ इसका क्या चल रहा है, लाखों लोगों को इंटरनेट नहीं मिल रहा, लोगों की मौलिक अधिकार है इंटरनेट, लेकिन कोई जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों बात करें सरकार की, कोई मंत्री दोस्तों फातिमा फासा ये दोस्तों बता रही है यहाँ पे कि यहाँ पे इस हिसाब से हो रहा है कि लोगों ने VPN यूज़ करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा। VPN तब यूज़ किया जाता है कि जो बैन साइट आपकी देश में आप उसको देख सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से हैं, क्योंकि आपका IP चेंज हो जाता है, तो VPN सर्विस ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा। बिना सिर पैर की बात दोस्तों यहाँ पे ख्वाजा जी कर रही है यहाँ पे फातिमा जी, तो फिलहाल उन्होंने बोला है। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान चाइना की जैसे एक फायरवॉल बना रहा है, नेशनल फायरवॉल बना रहा, जिससे जो इस तरह के हैकर्स होते हैं, अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, इंटरनेट के अटैक जो होते हैं उसको रोक सके। ये भी दोस्तों पता नहीं कितना सच है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में इंटरनेट क्राइसिस चल रही है। आम इंसान को जो आटा नहीं मिल पा रहा, आटा इतना महंगा हो चुका है, महंगाई बहुत सारी बढ़ चुकी है, लोग खाने के लिए आटा नहीं है,
अब इंटरनेट जैसी चीज भी दोस्तों लोगों के पास यहाँ पे नहीं है, इंटरनेट भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से दोस्तों ब्लैकआउट होता नजर आ रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इंटरनेट सीरियस क्राइसिस फिलहाल यहाँ पे चलती नजर आ रही है। अगली दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के रही है यहाँ पे, भारत सरकार की एक रिपोर्ट बता रही है कि पिछले एक साल के अंदर भारत में इंटरनेट क्रांति हुई है दोस्तों। यस, इंटरनेट क्रांति हुई है। कैसे दोस्तों, एक साल के अंदर भारत में क्या क्या चीजें हुई? भारत में एक साल के अंदर दोस्तों, लास्ट एक साल के अंदर इंटरनेट सब्सक्राइबर बढ़े, भारत में इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ 30 लाख बढ़ी है। 7 करोड़ 30 लाख नए यूजर आए। उसके साथ साथ ब्रॉडबैंड यूज करना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आजकल हर गांव हर गली नुक्कड़ पे लोग ब्रॉडबैंड लगवाते हैं अपने घर में। 7 करोड़ 80 लाख लोगों ने नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे लिया भारत में। टोटल अगर बात करें जब मोबाइल यूज करने वाले लोग 119.9 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 120 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं दोस्तों। 120 करोड़ लोग टोटल इंटरनेट सब्सक्राइबर, मैंने जैसे कि आपको बताया दोस्तों 2022-23 में हुआ करते थे 88 करोड़, ये बढ़ के 95 करोड़ हो चुके हैं, ग्रोथ अच्छी है। बात करें ब्रॉडबैंड यूजर दोस्तों 84.5 करोड़ हुआ करते थे, बढ़ के 292 करोड़ 40 लाख हो चुके हैं, इसमें भी ग्रोथ अच्छी दोस्तों निकल के आई है। भारत में दोस्तों टेली डेंसिटी बढ़ी, यहाँ पे AGR ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ हुआ करता था पहले कंपनियों का, बढ़ के 2,70,000 करोड़ हो चुका है, ये भी बढ़ा है। सरकार की कमाई बढ़ेगी, टेली डेंसिटी दोस्तों पहले 84.5% हुआ करती है, बढ़ के 85% हो चुकी है। भारत में दोस्तों सारी चीजें हो रही है। भारत में टोटल डेटा बात कर लीजिए, कितना डेटा भारत के लोग यहाँ पे यूज करते हैं, 2022-23 में डेटा हुआ करता था 1,60,054 PB पेटाबाइट, अभी बढ़ के 1,60,000 से बढ़ के यहाँ पे हो चुका है 1,94,774 PB पेटाबाइट, 21.5% की ग्रोथ है। बता दूंगा आपको ऑलरेडी दोस्तों एक्साबाइट क्या होता है, एक्साबाइट क्या होता है, पेटाबाइट क्या होता है, जोटाबाइट क्या होता है, यूटाबाइट क्या होता है, सब बता चुका हूँ डेटा में आपको। तो फिलहाल दोस्तों पेटाबाइट यहाँ पे ऑलमोस्ट 21% की ग्रोथ यहाँ पे नजर आई है। तो भारत में दोस्तों ओवरऑल इंटरनेट की क्रांति आ रही, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 5G भारत मिल रहा है, अनलिमिटेड 5G भारत मिलता है, भारत की जनता सबसे ज्यादा डेटा यूज करती है, दुनिया के सबसे कम प्राइस में आप इंटरनेट यहाँ पे यूज करते हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान भी बहुत महंगा देता है भारत से, बता दूं आपको मैं तो। भारत आप लकी क्या भारत में, और भारत बहुत स्पीड से इंटरनेट क्रांति कर रहा है। अगली और अंतिम खबर दोस्तों निकल के आ रही है जियो की तरफ से। दोस्तों जियो ने पहले अनाउंसमेंट किया था दोस्तों कि बड़ी बड़ी मैं बोलते ना कि यहाँ पे DTH कंपनीज को पीछे कर दूंगा। जियो ने दोस्तों अपना जियो टीवी प्लस ऐप यहाँ पे लॉन्च कर दिया। ये दोस्तों पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप दोस्तों यहाँ पे जो आपकी टीवी को स्मार्ट बना देता है। जियो टीवी ऐप जो है दोस्तों यहाँ पे जियो के 5G और फाइबर पे तो चलेगा, जियो के फाइबर पे भी यहाँ पे चलेगा, और जियो का सेटअप बॉक्स है उसमें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो टीवी ऐप है दोस्तों स्मार्ट टीवी बना देगा आपकी टीवी को, जहाँ पे 800 से ज़्यादा आपको लाइव टीवी चैनल्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको अलग अलग 10 लैंग्वेजेस मिलेगी, 20 जॉनर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ 13 OTT एप्लीकेशन आपको देखने को मिलने वाली दोस्तों। ये वही चीज़ है जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे हाइसेंस वाला अपना अलग टाइजन वगैरह देता है दोस्तों यहाँ पे, और LG वगैरह दोस्तों ये वीडा वगैरह सिस्टम लेके आते हैं, टाइजन और वीडा वगैरह ये सिस्टम चलता था, गूगल का एंड्रॉइड टीवी आता है, वैसे दोस्तों यहाँ पे अब ये जो होगा दोस्तों ऐप यहाँ पे एंड्रॉइड टीवी पे एप्पल टीवी पे डाउनलोड कर सकेंगे, अमेजोन की फायर टीवी पे आप कर सकेंगे, LG सैमसंग की टीवी पे आ सकेगा। ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके साथ साथ ये जियो का दावा है कि इस दिवाली पे मैं अपना खुद का स्मार्ट टीवी लॉन्च करने वाला हूँ। यस, सोर्सेस की बात माने तो 40 से 44 इंच का टीवी आपको 15,000 से 16,000 में मिल सकता है दोस्तों। यस, और 55 इंच का 4K टीवी दोस्तों, हो सकता है QLED टीवी आपको मिल जाए ऑलमोस्ट 20,000 से 25,000 के अंदर। तो जियो ने पूरी तैयारी कर ली दोस्तों, यहाँ पे अप्लायंसेस के अंदर आ रहा है, स्मार्ट टीवी लॉन्च करने वाला है, स्मार्ट दोस्तों यहाँ पे अपना ऐप तो लॉन्च कर दिया, जियो टीवी प्लस 4K बॉक्स तो ऑलरेडी दे रहा है, लेकिन अब आपको स्मार्ट टीवी भी दिवाली के आसपास मिलेगा। तो जियो दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पे DTH इंडस्ट्री को खत्म करने वाला है। DTH पहले से महंगा हो चुका है, अब आपको OTT के साथ जियो का टीवी और जियो का ही एप्लीकेशन आप चलाओ, इंटरनेट तो आपको जियो फाइबर से मिल ही रहा है, तो DTH ऑलमोस्ट खत्म होता नजर आएगा फिलहाल। तो दोस्तों ये थे आज की अपडेट्स, मुझे बताइए आपको कौन सी न्यूज़ ज्यादा पसंद आई, वीडियो दोस्तों कौन सा आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जरूर देना, आपको भाई का चैनल है इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है, और ये जो बटन दिख रहा है आपको दोस्तों इसको घंटी का बटन बोलते हैं, इसको जरूर दबा दीजिए, इसको दबाने से आप हमारे जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज घंटी का बटन को जरूर दबा देना। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी टेक न्यूज के साथ। बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।